वेलकम माई ऑल यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक हो गए, मज़े में हो गए। और जिन जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग लाजमी कर लो सब्सक्राइब, और बेल आइकन को साथ में लाजमी दबा दिया करो ताकि मेरी वीडियोस जो भी होंगी वो आप तक आती रहेंगी। और वीडियोस को मस्त लाइक भी किया करो, कमेंट्स भी कर लिया करो। आप लोग देख रहे हैं मेरे सामने क्या है, ये मशीन है ठीक है, और इसमें आप लोग आटा भी गूंथ सकते हो, इसमें आप लोग और क्या क्या कर सकते हो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में ही बताऊंगी। और ये मेरे पास बहुत पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी है, मुझे ये याद नहीं कि मैंने कितनी की ली थी वैसे तो अब तक। वैसे मैं वैसे यूज़ मैंने बहुत कम कर दिया हुआ है, वैसे मैं यूज़ नहीं करती इतना, बस कभी कभी होता है कभी कभी कि दिल ना करे आटा गूंदने का, तो बस मैं इस मशीन में बस आटा भी मैं गूंथ लेती हूँ। और आप इसमें चाहो तो आप इसमें ब्रेड भी बना सकते हो ठीक है, ब्रेड का बैटर जो होता है ठीक है, केक का बैटर भी कर सकते हो, केक आप इसमें बना सकते हो जो केक का बैटर होता है, आप इसमें आटा भी गूंथ सकते हो, आप इसमें पिज़्ज़ा की डो वगैरह होती है वो भी आप कर सकते हो, आप इसमें सब कुछ कर सकते हो ठीक है। और इसमें आपको ये नज़र भी आ रहा होगा फ्लैश लाइट की वजह से, ये देखिए इसमें एक तो बेसिक वाइट है, फ्रेंच है, हॉल व्हीट है ठीक है, क्विक है, फोर पे स्वीट है, फास्ट पेक है, फाइव पेक डो है, जैम है, केक सैंडविच, आप इसमें ये सब कुछ बना सकते हो। और इसमें टाइमिंग का दिया हुआ है, आपने कम करना है ज़्यादा करना है ठीक है, और इसमें मेन्यू है ठीक है, स्टॉप का है, स्टार्ट का है, यहीं से होगा, साथ में इसमें है कलर ठीक है, और साथ में लो साइज, इसमें साइज आपने क्या रखना है ठीक है, इसमें लाइट मीडियम और डार्क ठीक है। आप 1.5 LV से 2.0 LV तक आप इसमें कर सकते हो। और ये मशीन देखने में ऐसी लगती है, और पता नहीं ये कौन सी ब्रांड की थी, आई डोंट नो, यहाँ से ना ये हो चुके हैं रिमूव, बहुत साल हो चुके हैं, सालों पुरानी है माशाल्लाह से ये। और ये ऐसे ही है अंदर से ठीक है, और मैंने कहा चलो आपको मैं आज साथ में इसका रिव्यू भी दे देती हूँ कि कैसी है, काम की है कि नहीं। और वैसे भी आप लोग तो वैसे भी जितनी हमारे पाकिस्तान में खास तौर पर ठीक है बिजली महंगी हो चुकी तो लोग तो कहेंगे भी बस हाथ से गूंथ लो तो बेहतर है वो बस। और चले जी मैं आपको मैं इसमें दिखाती हूँ, इसमें मैं आटा डाल चुकी हूँ ठीक है, और इसमें ये देखे ये मैंने एक रखा हुआ ठीक है, ऐसी आटे वाला ही है, तो इसमें से आटा को मैंने लिया और इसमें डाल दिया बस, मेरे ख्याल से अभी इतना बहुत है बस। आप लोगों को मैंने दिखाना कि आया कि इसमें सही गूंथता है आटा कि नहीं, इसमें बस बहुत अच्छा गूंथ जाता है आटा नो डाउट। और मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्या पता कि आप में से कोई भी मेरी बहन आप बाजार में जाके ये मशीन भी आप ले सकती हैं, इसके मैं ऑनर्स रिव्यूज में आपको दूंगी ठीक है। चलो जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम स्टार्ट करते हैं, ये देखिए स्टार्ट हो गया ठीक है माशाल्लाह से। अच्छा ये इसमें ठीक है एक आ गया ठीक है, देखिए ये लिखा इसका बेसिक वाइट ठीक है, दो करते हैं, दो आधे का फ्रेंच आधे का, ये इसके साथ में टाइमिंग दी है तीन कितने हॉल व्हीट है हमारा, तो आधे का हॉल व्हीट तीन पे, चार इसमें क्विक, पांच स्वीट ठीक है, छः पे आ गया फास्ट पेक आ गया, ये सारा टाइम दिए आठ पे याद आएगा ठीक है। और साथ में इसके आगे आप नौ पे ये आ गया ठीक है, दस पे साथ में ये आ गया ठीक है, साथ में इसकी टाइमिंग दी हुई है ये ऐसे ठीक है, बारह ये इसमें मैं आटा डाल चुकी हूँ ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ये सारा बता दिया। अच्छा और इसमें जो कलर का सीन है ना, इसमें कलर का है लाइट मीडियम डार्क, कि आपने इसको आपने इस मशीन को कितना मिक्स करना है कि आपकी जो मशीन है ठीक है गोल ठीक है अच्छे से घूमती रहेगी, और इसका फिर आहिस्ता 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 कलर इसका ये खुद ही चेंज होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि हम लोग जब अच्छी तरह से आटे को हम लोग मिक्स करते हैं, हम लोग हाथों से ऐसे ऐसे करते हैं ठीक है, ये भी ऐसा ही मशीन भी ऐसे ही काम करेगी, तो जाहिर सी बात इसको नीट करते हैं हाथों से ऐसे ऐसे करके तो आटे का जो कलर होता है वो चेंज होना शुरू होता है ना, तो ये ऐसे ही है ठीक है। इसको हमने करने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं, इसको लेकर ये आ गए मीडियम पे ठीक है, इसको करते हैं डार्क, ये डार्क भी आ जाएगा, हमें कुछ भी नहीं करना ठीक है। और इसके अलावा ये लोफ का साइज है ठीक है, इसमें दिया हुआ लोफ का साइज ठीक है, ये है 2.0
एलबी, ठीक है, कि आपका ये आप जिसने इसमें आपने इसमें डाला है ना आटा डो जो भी हो जाए या मैदा हो गया, ठीक है, कि आया कि ये कितना इसका वेट है, ठीक है, होगा और होना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी हमने कुछ भी नहीं करना, ये देखिए इस पे करते हैं, ठीक है, ये आगे 1.5 पे, तो ये हमारा होगा कि हो जाएगा, ठीक है, रेडी। पर हमने इसको कुछ भी नहीं करना, ठीक है, आपने कुछ भी नहीं करना, हमने जाना है 8 पे, 6, 7 और 8, देखें 8 पे क्या है, डो, ठीक है, हमने करना है इस पे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, और साथ में मैं इसमें पानी भी डालती रहती हूँ, ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल्का हल्का पानी डालते जा रहे हैं आपने साथ साथ, बहुत ज्यादा भी पानी नहीं डाल देना, ठीक है। बाकी जो नीचे आपको थोड़ा सा ये नजर आ रहा है ना, इसको आप जरा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरी बहुत पुरानी मशीन है, बहुत पुरानी। और आपने ये टाइमिंग को भी कुछ भी नहीं करना, ठीक है, ना आपने वेब साइज को कुछ करना, आपने सिर्फ जाना है मेन्यू पे, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। आप इसमें पिज्जे की डो हो गई, ठीक है, आप इसमें ब्रेड की डो हो गई, केक का बैटर हो गया, और इसके अलावा और भी जो होती पेस्ट्रीज वगैरह के जो बैटर अच्छे से बना सकते हो। ये देखिए हमारा नीट होना शुरू हो गया, आप इसमें जाओ तो आप उसमें ऑयल भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, ताकि ये हमारा जो आटा है वो लगे ना, चिपके ना नीचे, ठीक है। और इस वजह से थोड़ा थोड़ा करके पानी, ज्यादा भी नहीं डालना आपने एकदम, वरना आपका ये बैटर बहुत पतला हो जाएगा। ये देखिए आप ये अपना जरा घूम रहे ऐसे, ठीक है, आपने इसको साथ में थोड़ा थोड़ा मिक्स करते रहना है, ठीक है। अभी जैसे कि आपको मैंने दिखाया, पहले हल्का घूम रहा था, फिर स्टॉप पे घूम रहा था, ये जो है जरा ये कंटिन्यूसली घूम रहा है, ठीक है, देखें हल्का सा पानी और, मैं थोड़ा सा ना अपना इसमें थोड़े दो तीन कटोरे ऑयल के डालूंगी साथ में, हमारा ये चिपके ना, ठीक है। माशाल्लाह, ये देखिए हमारा ये होना शुरू हो रहा है आटा, आपने जो टाइम इसमें दिया हुआ है आपने इस टाइम पे पूरा नहीं रहना, आप लोग सोच रहे हो कि भाई ये टाइम पूरा होगा फिर या बस हम लोगों ने बंद करना, नहीं, आपने देख लेना है कि जब हमारा डो हो जाए रेडी, ठीक है, बस फिर हम लोगों ने इसको बंद कर देना है। ये देखिए ये अभी थोड़ा सा और होगा, ठीक है, नीट अभी इसमें और होना है, अभी थोड़ा सा अभी ये और फाइन होगा, ठीक है, अभी फाइन इसमें होगा फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये देखिए ये हमारा होना शुरू हो गया, ऑलमोस्ट हो चुका है डो, माशाल्लाह। इसमें आपने अपने लिहाज से आटा डाल दिया इसमें खुश, ठीक है, और इसमें साथ में पानी डालना है, मगर साथ में पानी आपने देख देख के डालना है, इसकी कंसिस्टेंसी आपने इसकी देखनी है साथ में लास्ट में, आप चाहो तो इसको बंद करके कर सकते हैं, ठीक है।
अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा हो चुका है ठीक है। और आप बस मैं इसको निकाल दूंगी, और आपने पूरा जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने ये नहीं करनी कोशिश की पूरा टाइम होगा फिर ही मैं निकालू, नहीं क्या आपका ये जो है डो आपकी ठीक है टाइम से पहले भी ये बन सकती है ठीक है। देखिए हमारा हो चुका है फाइन, ये देखिए आप देख रहे हैं टेक्सचर, मैंने आप इसको बंद कर दिया ठीक है। और ये देखिए माशाल्लाह ये हमारा हो चुका है ठीक है रेडी, ये देखिए माशाल्लाह से हमारा हो चुका है। ऑयल लगाने का मकसद ही यही होता है, यहाँ पर आप इसमें जाओ तो बीच में भी डाल सकते हो, आप जाओ अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा के यूं करके आप इसको निकाल के इसमें भी रख सकते हो। ये फाइन हो चुका है और ये बन चुका है माशाल्लाह से हमारा आटा। अभी मैं तो ये बोलूँ कि जो वर्किंग वुमेन्स होती है ना जिनके पास टाइम नहीं होता तो बस वो ऐसे कर सकती हैं, आप इसमें कुछ भी किसी भी किस्म का बैटर आपने अगर रेडी करना हो ना तो आप कर सकती हैं ठीक है। पिज़्ज़ा की डो होगी, ब्रेड की डो होगी ठीक है, रोटी की डो होगी जिस तरह से मैंने बनाई है ठीक है, और इसके अलावा और केक का बैटर होता है आप इसमें ठीक है, केक का भी बैटर रेडी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। और कुछ भी हो ना, या तो डोनट्स बनाने हो इसका बैटर हो गया आप कर सकते हो रेडी। इसमें आप और भी जो पेस्ट्रीज होती हैं स्वीट पेस्ट्रीज होती हैं कुछ भी आप कर सकते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बस, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को रिव्यूज़ दे दूँ। और जैसा कि मार्केट में बहुत से और आ चुके हैं ठीक है ब्रांड्स के, तो आप लोग ले सकते हैं और मुझे प्राइजेस का मुझे आइडिया कि क्या होगी। तो बस लास्ट में सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को लाइक करो, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ इंशाल्लाह।